लक्ष्मण जी, दो दो बड़े मुद्दे हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को आज खारिज किया है जो इन दंगों की न्यायिक जांच की बात की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अच्छी बात की है कि उत्तराखंड में जो धर्म संसद होने जा रही है, क्योंकि आजकल कोई भी गेरुए वस्त्र पहन के, जिस देश में गेरुए वस्त्र का सम्मान होता है, अभी भी हम कोई गेरुए वस्त्र का व्यक्ति होता है उसके देख के आज भी हम हृदय श्रद्धा से भर जाता है, सिर झुकाते हैं। लेकिन वही एक सीतापुर में गेरुए वस्त्र पहना हुआ गुंडा, एक बिल्कुल गुंडा मानसिक विकृत आदमी एक कम्युनिटी को, एक धर्म के लोगों को, की महिलाओं को गंद अपशब्द कहता है। हालांकि वो जेल भी जाता है, एक अच्छी बात यह है कि वो जेल भी जाता है। लेकिन अगर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हेड स्पीच हुई तो दोबारा हम तलब करेंगे चीफ सेक्रेटरी को, लेकिन दिल्ली पुलिस में जो हलफनामा दिया उसने बिल्कुल मखौल उठा बना दिया है। पूरे सेनेरियो पे आपकी टिप्पणी क्या है लक्ष्मण जी? बहुत शुक्रिया संजय जी इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए। और जो जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, मैंने आज ही उसकी खबर जो पढ़ी कि वो सीतापुर जेल से जब बाहर आया तो उसने मीडिया के सामने बिल्कुल दो आरोप लगाए। एक तो ये कहा कि मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैंने कुछ गलत बोला है, और दूसरी तरफ वो इसने आजम खान पर भी आरोप लगाया। खुद आजम खान को लेके इस समय इतनी बहस चल रही है, लेकिन निशाने पर आजम खान है। और उसने कहा कि वहां के एक पुलिस अधिकारी के साथ मिल करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। एक तो ये स्टंटबाजी हो रही है, कुछ भी इसमें सच उस तरह से दिख नहीं रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि जो जिस बात पर अफसोस होना चाहिए था उस पर वो गर्व कर रहे हैं, और गर्व अपने आप नहीं कर रहे, उन्हें गर्व करवाया जा रहा है। इस देश में लिंचिंग करने के बाद माला पहनाई गई जेल से छूटने के बाद, बाकी सब तो छोड़िए, कोई मुसलमानों को मार करके आए माला पहनाए तो कई बार ठीक भी लगता है कि चलो इनके भीतर जो राजनीति है वो बाहर से दिख रही है कि ये घोर मुस्लिम विरोधी है। लेकिन मुझे याद है और आपको भी याद होगा संजय जी, कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या करने वाला और उस पूरी भीड़ की अगुवाई करने वाला एक नौजवान कम उम्र का लड़का था विश्व हिंदू परिषद का, और वह भी जब आया तो उसे माला पहनाई गई और उसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी उस पूरे इलाके में। तो ये सांप्रदायिकता, जो लोग अभी भी ये समझते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है, ये उनके भी चश्मे को उतार रही है कि सांप्रदायिकता केवल मुस्लिम विरोधी नहीं होती, वो आपका भी वो आत्महंता, ये सांप्रदायिकता आत्महंता है, ये सबको मारेगी। और दूसरी तरफ मैं आपके ही चैनल में पिछली बार जब बातचीत कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी, उसी को फिर से दोहरा रहा हूं कि जब भी इस तरह का समाज में कोई दूत चरित्र दिखे, पहले भी दंगे होते हैं, पहले भी हिंदू मुस्लिम तनाव की घटनाएं, दंगों की घटनाएं आती रही हैं, हम सवाल किस पर उठाते हैं? हम आज भी ये बात कहते हैं ना कि 84 के दंगों के समय शासन प्रशासन की भूमिका संदेहास्पद थी। बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती है यहां से लेकर के, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और 2002 के दंगे में हम खुलेआम कहते हैं कि ऐसा लगता है कि 2-3 दिन का समय दिया गया कि जो करना है करो, फिर हम मिलिट्री बुलाएंगे। तो स्टेट कहाँ खड़ा था, शासन प्रशासन कहाँ खड़ा था? हाँ, मीडिया उस समय इस तरह से बहुत लोकप्रिय भी नहीं हुई थी और उसका असर भी नहीं होता था। अब मीडिया भी लोकप्रिय हो गई, इसका भी असर हो गया है। पूरे टाइम 99% डिबेट इस बात पर हुई कि मस्जिद में से पत्थर कैसे चला, पत्थरबाज कौन था। ये सवाल तो किसी ने पूछा ही नहीं कि राम के नाम पर तलवार और त्रिशूल लेकर रामनवमी की यात्रा निकालना भारतीय संस्कृति में कहाँ है? आप तो हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। मेरे अग्रज बैठे हुए हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार, वो हिंदी पढ़ाते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, और हम लोग जिस जिस मिशन मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सामाजिक न्याय की लड़ाई का सवाल ही यही है कि भाई आप किसे हिंदू कहते हो। तो मैं थोड़ा सा दूसरे एंगल से इस पूरे विषय को देखता हूं। पहली बात कि जितने लोग अपने को सनातनी हिंदू कहते हैं, क्या उन लोगों की धार्मिक भावनाएं बिल्कुल आहत नहीं हो रही कि उनके राम के नाम पर क्या क्या हो रहा? ये मेरा एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बच्चे जो जा रहे हैं, जो भी सांप्रदायिक तनाव में शामिल हो रहे हैं, वो किनके घरों के बच्चे हैं? आप अपने घर के बच्चों को रोक नहीं रहे। अब उसमें तीसरी भूमिका ये आ रही है कि भाई स्टेट की भूमिका क्या है, जहां आप आज बहस कर रहे हैं। अब ये टिप्पणी कितनी, मैंने सुबह ही ये खबर देखी तो मैं आश्चर्यचकित था कि कोई कोर्ट ऐसे किस भाषा में, किस लहजे में
ऐसे कैसे कह सकती है कि हमारे पास कोई काम नहीं है क्या, कोई खाली बैठा है क्या, इस तरह ये। अच्छा, वो टिप्पणी किस बात पर की गई? वो ये कहा गया कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है धर्म के नाम पर जो हो रहा है, इबादत घरों के सामने जो हो रहा है, इस पर आप कुछ एक निर्देश जारी कर दें केंद्र और राज्य सरकारों को। इसके बाद आपसे कहा गया कि आप जरा नियंत्रित करें ये जो पूरी बहस चल रही है जिस दिशा में समाज जा रहा है। अगर कोर्ट ये कह रहा है कि हम खाली बैठे हैं, तो भाई एक बार बता दो कि आप व्यस्त किस बात के लिए हो? जिस बात का स्वतः संज्ञान लिया करता था न्यायपालिका का पूरा एक अमला एक समझ, वह इतने गंभीर मसले पर ये टिप्पणी करे। तो ये दो पक्ष हैं इस पूरे विषय के। मैं फिर से कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार जो भूमिका निभा रही है वो तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो तीन कमोबेश स्वायत्त सैद्धांतिक रूप से कोट अनकोट कह रहा हूं मीडिया, जुडिशरी एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस प्रशासन, इन तीनों की भूमिका कई बार निष्पक्ष होने का सिद्धांत है। मैं ये कहता हूं कि निष्पक्ष कोई नहीं होता, कभी हो ही नहीं सकता। इन तीनों का पक्ष होना चाहिए जनता का, सांप्रदायिक सौहार्द का, संवैधानिक मूल्यों का। इनका पक्ष अब इस समय सत्ता बन चुकी, तो ये जो निष्पक्ष थे ये सत्ता के पक्ष में बैठे हैं और ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। और आखिरी में, अब चूंकि आपने बात कर दी और मैं बाकी जगहों पर आप कहते भी रहते हैं तब भी कविता नहीं सुना पाता हूं कई बार, आज लेकिन जरूर कहूंगा और सुधांशु जी बैठे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। मैं उस सवाल पर लौटता हूं संजय जी, और इस सवाल को हम जैसे लोगों को और जोर शोर से उठाना है कि जिस हिंदू संस्कृति के नाम पर ये कर रहे हैं उसी उस पूरे कल्चर को मानने वाले लोग आज खामोश हैं या इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, एक सवाल तो उनसे। और दूसरा, एक काउंटर कल्चर है इस देश में, एक संस्कृति कभी नहीं रही। मैं बार बार एक बात जोर दे के कह रहा हूं, एक तरफ जो वेद पुराण ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषद से होते हुए जब पूरी परंपरा मनुस्मृति से होते हुए आ रही है, जिसमें गोडसे गोलवलकर हेडगवार को भी मैं देख रहा हूं, तो एक दूसरी परंपरा इस देश में तथागत बुद्ध से होते हुए कबीर रविदास पलटू दादू भीखा की है, ज्योतिबा फूले पेरियार डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर लोहिया की है, जो भारत के संविधान पर आकर के टिकती है। इस पूरी वैचारिक परंपरा में हमारा कोई भी व्यक्ति हिंसक हथियार लेके कहीं नहीं खड़ा, हमारे लोग तो कलम और किताब लेके खड़े हैं, हमारी पूरी लड़ाई कलम और किताब की। उन आज नौजवानों के हाथ से कलम किताब छीन करके त्रिशूल और तलवार बुलडोजर के आगे कोई खड़ा है तो भारत का संविधान खड़ा है। उस कल्चर में बस एक कवि को कोट करूंगा, कबीर की बात अक्सर होती है, कबीर ने दोनों तरफ बोला था, अरे इन दो राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दो राह न पाई। एक सवाल मेरा है कि कबीर का यह दोहा, यह पद कहाँ खड़ा है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सौ की साथ। आपके इंडियन कल्चर या सनातनी परंपरा में ये सारी चीजें क्यों नहीं याद आती? आप केवल तलवार सुल बांट रहे हैं, पूरे देश को दंगाई बना रहे हैं। दूसरा, उसी भक्ति आंदोलन का एक कवि है बुल्ले शाह पर जाएंगे, मन्ना, ये कबीर ने लिखा मन्ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, जवाब सवाल पूछ रहे थे तो मुझे वही पद याद आ रहा था कि दाढ़ी बढ़ाए हो जोगी हो गई ना बकरा, कर माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुख माई, मनुआ तो चौदिस फिरे ऐसे सुमिरन नाई। कबीर दास ने ये कहा था कि कामी क्रोधी मस्करा तिनका आदर होए, कबीर कल जो कठिन है साधन चिन्ह कोए, तो जो साध थे वो तो लुप्त हो गए, जो घर पे आते थे सारंगी बजाते हुए लोग दरवाजा खोल करके बिठाते थे, आज कोई गेरुआ वस्त्र पहन के आ जाए तो डर लगेगा आपको, आपका नुकसान किया हिंदू धर्म के मानने वालों। और रविदास का दोहा बस दो पढ़ूंगा, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह राम नहीं कह रविदास उचार, मुसलमान से दोस्ती हिंदुओं से कर प्रीत, रविदास ज्योति सब हर के सब हैं अपने मीत। और उसके बाद हिंदू तुरक मैं नहीं कछु भेदा, दू आयो एक द्वार, और प्राण पिंड लह मास कर एक रविदास विचार। ये जो पूरी परंपरा थी, इस परंपरा को नजरअंदाज करके भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया में दंगा नहीं था, तलवार लेकर के मस्जिद के सामने नमाज पढ़ने का नहीं था। मैं तो उनके नागपुर में बोल के आया कि ये सारे दंगाई जिनको बना रहे हैं ये केवल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री खामोश हैं।
गोया वो फकीर अब इसकी तैयारी कर रहा है कि 24 में या तो जीतेंगे तो जो थोड़ा बहुत बचा है इस देश के संविधान को बर्बाद कर देंगे और या झोला लेके चल देंगे। ये इस समय टिप्पणी नहीं हो रही है और पूरी तरह से सत्ता प्रायोजित है। भारतीयता की जो भी अंतरात्मा है, भारतीयता की संरचना है, उसको तबाह किया जा रहा है। 20% मुसलमानों के ऊपर जो सैयद कासिम जी ने बोला है, मैं उससे सहमत हूं। मुसलमानों को इस बात का सुधार खुद करने दीजिए कि उनके धर्म में क्या-क्या सुधार होगा। हिंदुओं जरा आगे बढ़कर आओ और देखो आपके नाम पर क्या हो रहा है। इसे आपको रोकना होगा, वरना आपकी छवि बचेगी नहीं। बहुत शुक्रिया।